तो गाइस फाइनली मस्त जगह मिल गई है, ये देखो। तो गाइस फाइनली सारा सेटअप हमने कर लिया पिकनिक के लिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ करके क्या क्या चीज हमने लगाई है। हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यहाँ से नहीं भाई, ये अबे तैर के आओगे क्या? फुल डेट का माहौल है तो सबके लिए मैं फ्लावर्स भी लाया हूँ। यहाँ बन रहा है इनका। Hey guys, good morning. Welcome to my new vlog. तो guys, अभी मैं देख रहा हूँ Amazon MiniTube पे Crushed का लास्ट सीजन और ये है लास्ट एपिसोड। और इतना इमोशनल है ना, बिकॉज सारे स्कूल फ्रेंड्स अलग होने वाले हैं क्योंकि इनकी 12th हो चुकी है, फेयरवेल हो चुकी है। तो देखो सारे रो रहे हैं, इमोशनल हो रहे हैं। तो ये वाला सीन तो बहुत इमोशनल है बिकॉज ये सबके साथ में हुआ है। जब हम स्कूल से अलग होते हैं तो सारे दोस्तों की बहुत याद आती है। तो क्रश का सीजन 1, सीजन 2, सीजन 3 भी देखा और फाइनली 4 भी आ चुका है। आज मेरा प्लान है इन सभी से मिलने का, जितने भी इसके कास्ट है ना। मैं 2 बार पहले मिला हूँ तो आज भी मिलेंगे और मैंने प्लान किया सबके लिए सरप्राइज। तो हम जाने वाले हैं पिकनिक करने के लिए, मैंने इनको दिल्ली बुला लिया। तो चलेंगे एक मस्त जगह पे पिकनिक करेंगे, बातें बातें करेंगे पूरी जर्नी के बारे में कि भाई कैसा रहा एक्सपीरियंस क्रस्ट के साथ में, बिकॉज भाई 4 सीजन हो चुके हैं कंप्लीट। और गाइज इस जर्नी में आपने हमारा बहुत सपोर्ट किया है, आपने सारे सीजन देखे हैं जो मैंने आपको बोला, तो थैंक यू सो मच। तो अगर आपको भी देखना है क्रस्ट सीजन 4 तो आपको सिंपली अमेजन शॉपिंग आपको ओपन करना है, यहाँ पे आपको MiniTube पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सामने दिया जाएगा क्रस्ट सीजन 4। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो मस्त रेडी हो गया हूँ, अब चलते हैं सीधा लोकेशन पे। और हमने ब्रेकफास्ट भी नहीं करा है बिकॉज पिकनिक करेंगे ना, वहीं पे खाना पीना खाएंगे मस्त। चलो तो भी गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं लोकेशन पे और हम आए यहाँ पे देखो सुंदर नर्सरी में। ये मस्त जगह है पिकनिक की, तो अब ढूंढ रहे हैं कोई जगह मिल जाए अच्छी सी पिकनिक की। वहीं पे मस्त अपना सारा खाने पीने का सामान भी लाए हम, सब कुछ लेके आए हैं। तो फिर उनका वेट करेंगे, फिर वो आएंगे सभी और फिर मस्त पिकनिक करेंगे और सरप्राइज भी है उनके लिए। उधर ही बैठ सकते हैं, उधर ही बैठ सकते हैं, वो पेड़ भी मस्त लग रहा है, उस पेड़ के नीचे बैठ सकते हैं। यहाँ पे कोई बर्थडे सेलिब्रेशन चल रहा है देखो, यहाँ तो बहुत ज्यादा भीड़ है, देखो कितने सारे लोग हैं। हेलो 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 हेलो। तो गाइस फाइनली मस्त जगह मिल गई है, ये देखो पीछे आइलैंड जैसा है ना, यहाँ पे मस्त मैंने पानी भरवा दिया है। साथ में देखो एक मस्त है यहाँ पे फाउंटेन भी है। शो का नाम है क्रश्ड, जो कि है एक स्कूल लव स्टोरी के ऊपर, स्कूल के बच्चों के ऊपर जो वाइब होती है ना, डेट वाली वाइब, तो उसके लिए मुझे ये जगह बेस्ट लगी। तो हाँ चलो चलते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं कैसा है, नहीं तो फिर वहीं पे सबको बुलाएंगे। भाई कोई है भी नहीं यहाँ पे, बढ़िया जगह है। हाँ यहाँ पे कोई है भी, कोई है भी नहीं, ये लग रही है ना मस्त आशिकी वाली जगह। अब थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी अपने को, अपने को यहाँ पूरा सेटअप बनाना है, चटाई बिछानी है, खाने पीने का सामान लाना है, वो मैंने सब ऑर्डर कर रखा है तो वो पूरा बिछाते हैं यहाँ पे। तो अभी दोस्तों को आने में 1 घंटा है, तब तक हम पूरा सेटअप कर लेते हैं। तो गाइस गाड़ी से हम सारा सामान ले आए हैं, ये देखो 2 टोकरी हमारे पास में, कपड़ा भी एकदम सफेद लाए हम, साफ सुथरा बिल्कुल नया सफेद कपड़ा लाए एकदम। और ये है उनके लिए फूल। अब आपको दिखाता हूँ क्या क्या चीजें खाने की हमने मंगाई है सबके लिए। सबसे पहले सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं फ्रूट्स, बिकॉज भाई लड़कियों को फ्रूट्स बहुत पसंद होते हैं। तो फ्रूट्स में भी 2 तरह के मैंने अंगूर मंगाए थे और मीठी मीठी बातें करने के लिए मीठी मीठी चॉकलेट्स, तो ब्रेड वगैरह भी मैंने मंगाए थे। और गाइस धूप बहुत है तो धूप में किसी का अगर बीपी लो हो जाए तो उसके लिए चॉकलेट भी हैं। और साथ में डेट वाली वाइप के लिए देखो फ्लावर्स वगैरह भी हैं, कोई बोर हो रहा हो तो डायरी वगैरह भी है डायरी में लिखने के लिए। और खा पी के अगर मुंह गंदा हो जाता है ना तो उसके देखो टिश्यू पेपर भी लाया हूं साफ करने के लिए। कितना बढ़िया आदमी हो यार मैं। और देखो डेकोरेशन के लिए भी चीजें लाया हूं भाई, डेकोरेशन के लिए मंगाई है मैंने। तो गाइस फाइनली सारा सेटअप हमने कर लिया पिकनिक के लिए। चलो मैं आपको दिखाता हूँ करके क्या क्या चीज हमने लगाई है। ये देखो भाई बहुत मेहनत लगी है इसमें, इसमें जूसेस भी हैं, फ्रूट्स भी हैं, पनीर रैप वगैरह मंगाया इसमें। तो अब हम वेट कर रहे हैं हमारे दोस्तों का जो कि फाइनली पहुंचने वाले हैं बस 5-10 मिनट में, उसके बाद मिलते हैं सबसे, उनको सरप्राइज करते हैं। तो गाइस फाइनली मुंबई वाले दोस्त आ चुके हैं। हाय गाइस, हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अरे यहाँ से नहीं भाई, ये अबे तैर के आओगे क्या? हाँ इधर से आओ, इधर से इधर से आ रहे थे फाइनली। हेलो हेलो, अरे अरे हेलो, कैसे हो सौरभ भाई? मस्त स्पॉट ढूंढ रहे हैं भाई, ये डेकोरेशन फैंसी। हाय भाई, अच्छा लगा? तुमने तो पूरा वैलेंटाइन्स वीक का जुगाड़ कर लिया है। आ गया। क्या बनाया है? पानी के पास अपने सेटअप किया, वो बहुत ही सुंदर। और पता नहीं फिर कभी मिलेंगे नहीं मिलेंगे यार, तो सही बात है मिलेंगे। ये बहुत ब्यूटीफुल बनाया है, क्या व्यू है, और ये असली स्ट्रॉबेरीज और ग्रेप्स है। हाँ स्पेशली आपके लिए। चलो बैठे, चलो बैठे, बहुत भूख लगी है। भाई शूज शूज निकाल लो यार, एक रूल है। फुल डेट का माहौल है तो सबके लिए मैं फ्लावर्स भी लाया हूँ। क्या बात है,
बात है। अरे रेड रेड तो मैं दे नहीं सकता बिकॉज फिर वो रेड है। नहीं नहीं रेड नहीं दे, नहीं नहीं रेड इनको दे सकता। हम दोनों शेयर भी कर लेंगे। सबसे पहले तो कंग्रेचुलेशन सबको थैंक यू फिनाले के लिए। thank you, मैंने देखा और मैं मतलब जो लास्ट सीन था ना उसमें तो मैं भी इमोशनल हो गया बिकॉज मैं सभी रो रहे थे सभी क्योंकि भाई वो सबके साथ में होता है ना कि ट्वेल्थ होती है जब असली में रो रहे थे। असली में रो रहे थे मतलब हमारी फैमिलीज भी देख रही थी वो भी रो रहे हैं। अब तो फैंस के भी मैसेज आ रहे हैं उनको भी इतना पसंद आया वो स्पेशली लास्ट सीक्वेंस तो विद यू आल्सो वी हैव हैड अ जर्नी। हम हर बार आपके साथ हर साल ब्लॉग बनाते हैं। इस साल तो शायद दो दो ब्लॉग्स हो गए। अभी आप भी हो गए एक्चुअली। हां अरे रुको 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 मैंने सारा इंतजाम किया है मैं आपके लिए आया हूं यहां पे। क्या बात है और क्या सो स्वीट सौरभ भाई आए और हमारे लिए 70 रुपए का पानी है। इतना महंगा पानी है ये। मतलब मेरे को पी के ही सीधा विराट कोहली वाइब्स आ रही है। ये पानी है कहीं गलत मत समझना पानी है। ये पानी है ये वाटर पानी है। ओ वाटर ये पिकनिक वाइब्स है ना। वाओ व्हाट फैंसी पिकनिक एक्यूरेसी। थैंक यू सौरभ भाई। खाना पीना हो चुका है मस्त भर के। तो अब सबके लिए सरप्राइज है। आपको पता होगा मैं आर्टिस्ट हूँ। मैं सबके स्केच बनाने वाला हूँ लाइव और आपको गैस करना है मैं किसका बनाऊंगा। मैं किसी का बना सकता हूँ। चलो गाइस आज फर्स्ट टाइम मैं बनाने वाला हूँ लाइव स्केच इन सबका। इनको लग रहा है परफ्यूम है इसमें। इसमें पेंसिल है कह रहे परफ्यूम है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ सौरभ भाई मैंने भी मेजॉरिटी टाइम इसको इग्नोर किया। आप भी करो अभी। चलो 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 क्या लग रहा है किसका बन रहा है। अरे 100% मेरा नहीं है। लग रहा है इसका ये रुद्राक्ष यहाँ बन रहा है। इनका नहीं इनका नहीं इनका नहीं नहीं बताऊंगा। मेरे को लग रहा है सौरभ भाई का बन रहा है। सोचा ही नहीं देखो सबको देख रहे पता ही नहीं लग रहा। आई थिंक यार ये नमन को देख रहे हो बहुत टेलीपैथिकली। आप नमन उसके ऐसे बैठे भी हो। स्माइल करो सभी स्माइल करो ऐसे प्यारी वाली स्माइल। चलो गैस करो सारे ठीक है। अरे अच्छा आध्या अच्छा उर्वी आई कैन सी द शेडी। मुझे शेडी दिख रही है सब करेक्ट। चलो मैं दिखा देता हूँ। अब तो उर्वी है ही नहीं। आप बताओ किसका बन रहा है। आप बताओ बन तो चुका है भाई। चलो गाइस अब दिखा देते हैं। ये सभी अनुप्रिया बोल रहे हैं बट अनुप्रिया नहीं है। चलो मैं हिंट देता हूँ थोड़ा सा। थोड़ा हिंट दो कुछ रुको। चड्डी चड्डी है नमन। मुझे लगा फाइनल सीजन है कुछ स्पेशल करते हैं क्रश के लिए। ये इतना हैंडसम नमन रियल लाइफ में भी नहीं दिखता। ये मैं हूँ माँ माँ ये मैं हूँ। सिर्फ वोट सिर्फ वोट सिर्फ वोट दिखा दो। टांगे टांगे नहीं बनाई टांगे टांगे सभी गलत हैं। चार हो चुके हैं अब दो बाकी हैं एक लड़का और एक लड़की। भाई सही में अजीब बना है भाई बहुत ही अजीब बना है भाई। प्लीज मुझे माफ कर देना भाई। ये क्या क्या हो गया भाई क्या हो गया। जब बाल में मैं तारीफ करना चाहूंगा जेन्युइनली। शोल्डर का साइज बराबर आर्म्स भी मतलब आंखें और स्माइल भी ठीक है। आई थिंक बाल में अगर वॉल्यूम का आई थिंक बाहर से नहाके निकल ये अच्छे राइट है ज्यादा वॉल्यूम बनाना पड़ेगा। बाल में थोड़ी मैगी हो गई बाकी सही मैगी। लास्ट तो सबको पता है कौन है लास्ट है लेकिन सबसे बेस्ट है। चलो मैं सबको उनके स्केच दे देता हूँ जो मैंने बनाए अभी। सबसे फर्स्ट आध्या सबको सबके स्केच मिल चुके हैं। होपफुली सबको अच्छे लगे होंगे। चलो तो अब चलें फिर। आपका प्लान क्या है प्लान अब हम तो निकल रहे हैं। कैसा लगा यहाँ पे आपको। अच्छा लगा ना। हम अभी घर जा रहे हैं। ये सब तो फोर्स कर रहे हैं कॉलेज जाने के लिए तो चलते हैं। अभी तो बहुत टाइम है ना। तो भी सुंदर नर्सरी से निकल गए हम सीधा कॉलेज के लिए और देखो भाई कितनी ज्यादा भीड़ हो गई यहाँ पे। सामने देखो
अभी हमें बैक स्टेज, ये देखो ये स्टेज है ना, बाकी आगे पूरी ऑडियंस। अब हम जाएंगे सीधा स्टेज पे, फिलहाल वेट कर रहे हैं यहाँ पे। भाई कितने सारे लोग हैं पता है, लाखों लोग हैं। अर्जुन क्या कहना, क्या करने वाले हो स्टेज पे? तो सबसे पहले तो थैंक यू सो मच इतने प्यार एंड सपोर्ट के लिए, आपके प्यार और सपोर्ट में जो भी लोग मुझे देखते हैं मैं आज यहाँ पे हूँ। और अपने दोस्तों के साथ में आया हूँ, उनका नया सीजन आया क्रश का, तो जाके देखो इनको भी सपोर्ट करो फुल। तो भी गाइस घर पे आ चुका हूँ, आज का दिन काफी बेस्ट था। जैसे कि आपने देखा हम क्रश की पूरी कास्ट से मिले, हमने पिकनिक करी, शो के बारे में बात की, फुल फन किया, कॉलेज भी गए, कॉलेज में स्टेज पे भी गए, वहां भी हमने काफी सारी बातें की। तो हाँ काफी अच्छा लगा, होपफुली आपको भी अच्छा लगा होगा। तो जरूर जाके देखना Amazon Mini TV पे, बिल्कुल फ्री है क्रश सीजन 4। फिलहाल मैं इस व्लॉग को एंड करता हूँ, पसंद आया तो लाइक कर देना एंड चैनल पे सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। अभी तो पिकनिक करके आयो, फिर से खा रहे हो? पर ये है जिसके लिए हम दिल्ली आए हैं। अच्छा आप मेरे लिए नहीं आए, आप किसके लिए आए हो? मैं तो सौरभ के लिए आई हूँ। बस बस बस। Now I get butterflies just thinking about your eyes, and that can't be all bad. Things came up, things went down, maybe turn back around. My spider's saying, screaming that I'm